आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बढ़त दिलाने के लिए महिला कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी की सरकार को घेरने के लिए महिला कांग्रेस महिला स्वाभिमान न्याय यात्रा निकाल रही है। अल्मोड़ा पहुंची महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रोतेला ने कहा कि यात्रा के माध्यम से महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार सहित तमाम मुद्दों पर सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। देखिए, हम लोग महिला स्वाभिमान न्याय यात्रा को निकाले हुए हैं और इसमें हमारा जो प्रमुखता से मुद्दे हैं वो चार मुद्दों पे हम लोग लगातार लोगों से बात भी कर रहे हैं और सरकार पे सवाल खड़े कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला मुद्दा है अंकिता भंडारी हत्याकांड, जो उसको एक साल हो गया और एक साल बाद भी ना तो सरकार ने इसमें CBI जांच के आदेश करे, ना ही ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला। और हम लोग सब लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि वो कौन से VVIP को बचाने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए रात को 1:30 बजे उन्होंने बुलडोजर चलाने का काम उस होटल में करा। दूसरा मुद्दा हमारा इस बार महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, चरम सीमा पे है, लेकिन सरकार की जिन माताओं ने, जिन बहनों ने सरकार को वोट दिया, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है।